गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे? आइए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में आप लोगों की हार्दिक स्वागत है। और मेरे चैनल को दोस्त थोड़ा सा हेल्प कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्त। सिर्फ वो सब्सक्राइबर का बटन दबा दीजिए दोस्त, ठीक है ना। और हम लोग आते हैं आज जो मेन मुद्दा हम लोगों का है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में दोस्तों हम लोग पिछले क्लास कुछ चर्चा किए थे, नहीं कुछ ऐसे चीज़ हम लोग चर्चा किए थे। आज मैं क्वाड्रांट के बारे में समझाऊंगा, ठीक है ना। आज हम लोग का लेक्चर होगा दोस्त, आज हम लोगों का लेक्चर होगा 72 फॉर्मूलाज 72 फॉर्मूलाज ये क्वाड्रांट से कैसे बनता है। ठीक है ना, ये 72 फॉर्मूला दोस्त हम लोग क्वाड्रांट के बारे में जानेंगे। ये हो गया दोस्तों एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना। इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन थीटा, कोसाइन थीटा पॉजिटिव, ठीक है ना। इसमें कॉट थीटा, टेन थीटा पॉजिटिव, इसमें और सब का सब नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है ना। क्वाड्रांट का ये बेसिक नीड है दोस्त, ठीक है ना। और ये हमारा कितना हो गया बोलिए, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है वो यहाँ से मैं दोस्तों ऐसे करके और ऐसे करूँगा, प्रूव करके बताऊँगा, ठीक है ना, सबका प्रूव बताऊँगा। आइए हम लोग, क्योंकि हम लोग का तो कंपटीशन की नज़रिया से पढ़ते हैं दोस्त, इसीलिए प्रूफ नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर मतलब इसका वीडियो में अलग से, जिसको देखना है देख लीजिएगा, अलग से प्रूफिंग वीडियो हम बना के भेज देंगे, ठीक है ना, मतलब यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लिख के कुछ और लिखना है, मगर एक चीज जान लीजिए, वाई एक्सिस विल बी रेशियो चेंज। यहां जो चेंज होगा दोस्तों वो साइन थीटा होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा होगा दोस्त साइन थीटा में, एक दूसरे का रिवर्स लिख देता है इसे, ठीक है ना। और टेन थीटा होगा कॉट थीटा का, और कॉट थीटा जो होगा दोस्तों वो टेन थीटा का, और सेक थीटा होगा कोसेक थीटा का, उसका उल्टा। ये रेशियो चेंज है दोस्त, ये बात याद रखिएगा। ओके ओके, और एक चीज जानिएगा कि एक्स एक्सिस विल
वी आर ए रेशियो नॉट चेंज। इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस विल बी रेशियो विल नॉट विल नॉट एक्स एक्सिस विल नॉट बी विल नॉट बी रेशियो चेंज। अब इसमें क्या कहानी होता है दोस्त, देखिए साइन थीटा का होगा साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉसी होगा दोस्तों, और टेन थीटा का टेनी होगा, और कॉट थीटा का कॉटी होगा, और सेक थीटा का सेकी होगा, और कोसेक थीटा का कोसेक होगा। इसमें रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट बी चेंज, ओके इसमें रेशियो चेंज नहीं होगा दोस्त। इसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, ओके देख लीजिएगा। इसमें जो होगा दोस्तों ये सब चेंज, एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, वाई एक्सिस में चेंज होता है, बस इतना आप लोग छाप लीजिएगा दोस्त ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। ये 72 फॉर्मूला है ना, देखिए एक छोटा सा फिगर मैं बनाता हूं यहाँ पे, ओके ये फिगर से दोस्त ये एक्स सॉरी ये वाई है, ये वाई डैश है, एक्स है ये एक्स डैश है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ ठीक। आगे देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिख के अब क्या लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो चीज पे काम कर रहा हूँ मैं वो चीज लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग को लिखना है 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहाँ पे लिखना है 90 डिग्री दोस्त, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एक लंबा है दोस्त तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये 270 डिग्री का, नौतिया सत्ताईस। इसमें तो आपको पता है एस और सी, और यहाँ पे सी और टी, यहाँ पे एस और सी ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। क्या होता है ये सब दोस्त, पॉजिटिव होता है, ये सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ऑल का ऑल पॉजिटिव होता है ठीक है ना। तो देखिए ये बात तो आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे देखिए दोस्त एक चीज और, यहाँ पे आप ये नए काम करके हम लोग एक चीज याद रखिएगा, ये होता है क्लॉकवाइज, इधर से इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इधर से इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो ये हो गया एंटी सी एल ओ सी क्लॉक वाइज, ये हुआ क्लॉक वाइज दोस्तों। क्लॉक वाइज में जो थीटा लेते हैं वो साइन नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉक वाइज में जो साइन लेते हैं दोस्तों
वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो याद रखना, मतलब पॉजिटिव साइन जब रहेगा तो वो सुई के विपरीत दिशा घूमेगा, एंटी क्लॉक में घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज में घूमेगा, ठीक है ना। और माइनस जब लेंगे दोस्तों तो ये होगा क्लॉक वाइज में घूमेगा, ये बात आप लोग को समझ आना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, ये भी बात आप लोग को समझ आ गया होगा, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एंगल को हम लोग यहाँ पे सब तो एंगल की ही बात कर रहे हैं ना दोस्त, इसमें क्या दिक्कत है हम लोगों को। तो देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा दोस्तों इधर होगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा। इसमें भी तो होगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा 180 डिग्री प्लस थीटा, नहीं 270 डिग्री है दोस्त। फिर इसमें भी वही चर्चा होगा दोस्त, होगा या नहीं होगा, ये होगा 270 डिग्री माइनस थीटा और ये होगा 270 डिग्री प्लस थीटा। फिर यहाँ पे दोस्तों ये होगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पे दो कंडीशंस में होगा, ठीक है ना, एक होगा 0 डिग्री नीचे है तो दोस्त 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री माइनस थीटा, एक होगा 0 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। फिर एक होगा 360 डिग्री माइनस थीटा और एक होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ओके प्लस थीटा, क्या होगा दोस्त प्लस थीटा। तो हम लोगों की यहां से 6 × 12 फॉर्मूला और 12 फॉर्मूला 24 फॉर्मूला और 12 फॉर्मूला, 12 × 12 = 24, 12 × 3 = 36 फॉर्मूला, बरचौक 48, बरपंचे 60 फॉर्मूला, ठीक है दोस्त। और बरछाक 72 फॉर्मूला कैसे हम बोले थे, यहाँ पे हम लोग दोस्तों ये भी तो मान सकते हैं n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, और ये भी हो सकता है, मान लेते हैं ये x एक्सिस से यहाँ पे दोस्त n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, नहीं तो 12 12 कितना हो गया, उधर भी 12 बरछक 72। आइए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं इस पे आधारित फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है ना, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, ओके। तो ये हो गया दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा वाला इस कंडीशन से फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूला हो गया दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लोगों को इतना मिटाना जरूरी नहीं था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे प्लस कर दिए दोस्तों
तो यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट आ गई। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा दोस्त, और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा जो कि माइनस में होगा दोस्त, और सेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा का वैल्यू वहां पे पॉजिटिव होता है, और कोसेक कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस ऑफ सेक थीटा हो जाएगा। ये हो गया दोस्त 12 फॉर्मूला आपका। आगे देखिए, सबको लिखते जाइएगा ठीक है ना। अब इस पे आते हैं 180 डिग्री पर ठीक है दोस्त। 180 डिग्री माइनस थीटा, तो रेशियो विल बी नॉट चेंज, रेशियो विल बी नॉट चेंज। तो देखियो इसमें क्या होगा, रेशियो विल बी नॉट चेंज, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा ठीक है ना। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा ठीक है ना। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा ठीक है ना। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस थीटा, और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा। तो दोस्तों ये हो गया आपका, और उसी तरह दोस्त यहाँ पे खाली प्लस कर देते हैं, क्या कर देते प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस 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 प्लस। अब देखिए प्लस करते ही यहाँ पे देखिए तुरंत हम लोग कतई लेट नहीं करना है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्त किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट का, टेन और कॉट में पॉजिटिव लगा देना है, सब में बचा हुआ माइनस लगा देना है, सब का सब इसमें क्या होगा दोस्त माइनस होगा ठीक है ना। कतई कतई याद रखना है, क्योंकि इसको चेंज तो करना नहीं है दोस्त, जो है सो लिखना है। 180 डिग्री पर तो चेंज नहीं होता है, नहीं चेंज तो सिर्फ होता है वाई एक्सिस पे, नहीं और कहीं चेंज होता नहीं है। ये हो गया आपका 18 फॉर्मूला दोस्त, नहीं कितना हो गया 18 नहीं 24 फॉर्मूला हम कंप्लीट करा दिए लिखा के, 24 फॉर्मूला हो गया। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे होगा, अब हम लोग देखते हैं 270 डिग्री से माइनस थीटा, तो इसमें वाई एक्सिस है, रेशियो विल बी चेंज, रेशियो विल बी चेंज ठीक है। तो यहाँ पे होगा दोस्तों साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस लगेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है टेन थीटा, टेन भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, यहाँ पे माइनस होगा, और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये भी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों माइनस होगा,
क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही माइनस प्लस होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है, उसके बाद सब का सब माइनस, क्योंकि वाई एक्सिस रेशियो विल बी चेंज। ओके आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 36 फॉर्मूला दोस्त, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 42 में, ये भी चेंज होगा दोस्तों। यहाँ पे पॉजिटिव जो होगा वो होगा सेक थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे दो ही चीज पॉजिटिव होगा, तो देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा, और कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना। और टेन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, बोलिए तो कॉट थीटा, ये भी माइनस में होगा। कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, ठीक है ना। और सेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा यहाँ पे दोस्तों माइनस होगा, और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा सेक थीटा, जो यहाँ पे माइनस, सेक थीटा पॉजिटिव होगा नहीं। आ गया दोस्त, ये भी काम हम लोगों का क्या हो गया तमाम। तो 42 फॉर्मूला अभी तक हम लोग देख लिए, कितना फॉर्मूला देख लिए दोस्त, 42 फॉर्मूला, ठीक है ना। हम लोग 42 फॉर्मूला देख चुके हैं, नहीं ये दो दो चार दो छा के 36 फॉर्मूला कितना देखे हैं दोस्त, 36 फॉर्मूला। आइए हम लोग आप देखते हैं, पहले जीरो ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वही तब ठीक रहेगा थोड़ा सा, नहीं तो देखिए दोस्त सब क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है और कहीं नहीं डिपेंड करता है दोस्त। देखिए ये जीरो माइनस थीटा, जीरो डिग्री माइनस थीटा, इस पर चर्चा करते हैं। रेशियो विल बी नॉट चेंज, साइन जीरो डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस जीरो डिग्री माइनस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो विल बी नॉट चेंज। टेन जीरो डिग्री माइनस थीटा, तो टेन ही थीटा होगा, रेशियो विल बी नॉट चेंज थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉट जीरो डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस, ठीक है ना। और सेक जीरो डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और कोसेक जीरो डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस होगा। तो दोस्तों एक चीज पता चला कि दो को पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक अनादर जितना बचा रहेगा सब का सब नेगेटिव होगा। आइए दोस्त हम लोग आते हैं थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, यहाँ जैसे प्लस करेंगे ना दोस्त सब का सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, कहाँ आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों रेशियो विल बी नॉट चेंज, साइन जीरो डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस जीरो डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन जीरो डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट जीरो डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक जीरो डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा, कोसेक जीरो डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि सबका सब कौन सा क्वाड्रेंट में है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव वैल्यू होता है, नहीं सबका सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑल पॉजिटिव होगा दोस्त। हो गया, ये बात आप लोग को समझ आ गया होगा।
यहाँ पे देखिए एक चीज और चर्चा हम लोग करते हैं, चर्चा ये है दोस्त, मिटा देते हैं, इतना मिटा ही देते हैं, उधर नहीं मिटाएंगे, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग लेते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, तो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टरांट में है दोस्त, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस होगा, और फिर यहाँ पे कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस तो होगा दोस्तों फोर्थ क्वार्टरांट में पॉजिटिव होता है, और टेन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन होता है मगर माइनस होगा क्योंकि फर्स्ट फोर्थ क्वार्टरांट में, ठीक है ना, और कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा होगा दोस्त जो कॉट माइनस में होगा क्योंकि फोर्थ क्वार्टरांट में कॉट का वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, और सेक सेक 360 डिग्री माइनस थीटा होगा दोस्त मगर ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में सेक और कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और कोसेक कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो चार वैल्यू नेगेटिव और दो वैल्यू पॉजिटिव, ओके। जैसे यहाँ पे प्लस करेंगे दोस्तों तो ये ऑल का ऑल कहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑल वैल्यू क्या होता है दोस्त पॉजिटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस 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 तो सब का सब दोस्तों जो माइनस जहाँ जहाँ लगा है उसका माइनस हट जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये 60 फॉर्मूला बन के कम्प्लीट हो गया दोस्त, ओके। आते हैं हम लोग 72 की बात बोले थे, 72 पे चर्चा करता हूँ, एक दूसरा होगा दोस्तों यहाँ पे n इंटू 360 डिग्री प्लस नहीं माइनस लेता हूँ पहले माइनस थीटा इज इक्वल टू वाट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा दोस्त क्योंकि ये जो नीचे वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जानते होंगे साइन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा और tan n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा और cot n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा और sec n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा और cosec n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर रेशियो विल बी नॉट चेंज, रेशियो विल बी नॉट चेंज, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, अरे यार कॉट थीटा कौन लिखेगा, कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, जबकि दोस्त एक चीज जानते हैं फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है और सब का वैल्यू नेगेटिव होता है, किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है दोस्तों कॉस और सेक का, और जितना बचा है सब का सब क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे प्लस करेंगे ना दोस्त, जैसे प्लस करेंगे सब माइनस हट जाएगा, यहाँ प्लस करते ही सब का सब माइनस हट जाएगा,
क्योंकि ये वैल्यू आपका जो आया है ना वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया दोस्त, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव होता है, ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव होता है। तो हमारा दोस्त ये 72 फॉर्मूला की जो बात चल रहा था ये 72 फॉर्मूला हम लोग इस क्वाड्रेंट के माध्यम से क्या कर लिए आज, कंप्लीट कर लिए दोस्त, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग लगभग 100 फॉर्मूला कर ही लेता हूँ, 72 तो कर लिए, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला पे जानना बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज जानते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है ना। दूसरी बात अगर बोलेगा कोसेक थीटा है दोस्त तो 1/sin थीटा। ये बात मैं कहाँ से प्रूव करता हूँ दोस्त, कैसे होता है। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। क्योंकि साइन थीटा का ये दोस्तों जान लीजिए ये हाइपोटेनस है, ये बी है, ये आपका पी है, तो साइन थीटा का रेशियो जो होता है वो पी बटे एच होता है दोस्त, और इंटू कॉस थीटा का उसका उल्टा होता है एच बटे पी होता है। यहाँ से ये कट गए इसीलिए इसका वैल्यू 1 होता है, ओके। ये हम लोग प्रूव किए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, जो कि ये तीनों प्रॉपर्टी यहीं से आता है, कहीं और से नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, इसका अगर रिवर्स कर दूंगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू आता है। इसीलिए हम लोग रेशियो पर इसको आधारित है, ठीक है ना। ये थीटा से कोई इसको संपर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्त। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। ये 3 फॉर्मूला हो गया, तो 72 3 कितना हो गया, 75 हो गया दोस्त। आइए हम लोग और देखते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो एक बार क्या करता हूँ साइन थीटा को रख लेता हूँ, कोसेक थीटा को इसके नीचे भेज देता हूँ, और एक बार कोसेक थीटा को रख के और 1/sin थीटा कर देता हूँ। इसको कोसेक थीटा को रख लिया दोस्तों, साइन थीटा को 1 के नीचे भेज दिए। जब जरूरत पड़ेगा कि पूरे का पूरे टर्म साइन थीटा, मान लेता हूँ कि कभी कभी कोसेक 1/cosec थीटा का टर्म का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, तो साइन थीटा रहेगा तो उसको 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, और जब 1/sin थीटा रहेगा दोस्तों कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा रहेगा तो दोस्तों 1/sin थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जब जैसे क्वेश्चन रहता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला, और आगे देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, tan थीटा का p बटे b होता है, cot थीटा को b बटे p होता है। ये दोस्तों कट के क्या बचा, 1 ही ना बचा, इसीलिए 1 होता है, कोई बात नहीं है, ओके प्रूव हो गए हैं। तो चलिए cot थीटा को मैंने रख लिया और tan थीटा को नीचे भेज दिया, तो tan थीटा को क्या कर दी, नीचे भेज दी। और आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है दोस्त, आपकी बात tan थीटा को रखेंगे, ठीक है ना, और 1/cot थीटा। तो यहाँ से हम लोग का 3 फॉर्मूला आ गया दोस्त। फिर हम लोग वही काम करेंगे, sec थीटा इंटू cos थीटा
कॉस थीटा इज इक्वल टू वन होता है, क्योंकि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो एच बटे बी होता है, और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है बी बटे एच होता है। ये एस से एच कट गया दोस्त, वैल्यू वन आ गया। ये हम लोग का प्रूफिंग है, ठीक है ना। वो आता है आपका कैसे राइट एंगल ट्रायंगल से है, वो राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस का थ्योरम से उसका जो छः रेशियोस होता है दोस्तों उस लॉ से आता है। ओके, तो हम लोगों के पास ये जो वैल्यू आया दोस्त, तो सेक थीटा को कभी कभी रख लेता हूँ और कॉस थीटा को नीचे भेज देता हूँ, वन बटे कॉस थीटा। ओके, और कभी कभी कॉस थीटा को रख लेता हूँ दोस्त और सेक थीटा को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम लोगों का तीन फार्मूला, नौ फार्मूला, 72 और 9 कितना हो गया, 81 फार्मूला। जो 81 फार्मूला आप लोगों को आज हम बता दिए फार्मूला, ठीक है, बच गई 19 फार्मूला, मैं वो भी बता देता हूँ दोस्त, ठीक है ना। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, आइए आज 100 फार्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री का मैं बताऊंगा। जैसे कि कह सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बात मुझे कैसे पता चला, क्योंकि दोस्तों ये हम लोग का रेशियो से पता चलता है, ठीक है ना। जैसे कि टेन थीटा का मान लेता हूँ कि LHS से, ये LHS या RHS, RHS से प्रूव करता हूँ दोस्त, बराबर साइन थीटा बटे क्या है कॉस थीटा है। साइन थीटा का पी बटे एच होता है दोस्तों, कॉस थीटा का होता है पी बटे एच होता है, नहीं तो ये एस से एच कट गया दोस्तों, पी बटे बी बच गया, जो इसका वैल्यू क्या होता है टेन थीटा होता है। मैं यहीं से ये फॉर्मूला को लिया हूँ, कहीं दूसरी जगह से नहीं लिया हूँ। पी बटे एच को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं दोस्तों, और एच बी बटे एच को कॉस थीटा बोलता हूँ, ठीक है ना। हम लोग कोई एंगल तेंगल का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, यहाँ रेशियो का रिलेशन है दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके बराबर हम लोग वन बटे कोसेक थीटा रख सकते हैं, इसके बराबर वन बटे सेक थीटा को रख सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा दोस्तों, तो सेक थीटा बराबर बटे कोस थीटा। हाँ, टेन थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये तो है ही दोस्त, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको बता दी, टेन थीटा का जो इसी का रूप है, इसी का रिवर्स रूप है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे काम करते हैं। अब कॉट में भी वही दो होगा, कॉट का कहाँ कहना है दोस्तों, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो इसका रिवर्स होता है दोस्त। इसको भी चाहते हैं हम लोग प्रूव करने तो कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए हम लोग ये भी जान सकते हैं दोस्त कि वन बाय, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, होगा ना। ये इसका एक फॉर्मूला ये भी है दोस्त, इसमें भी दो फॉर्मूला इसका आ गया, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, ठीक है ना। कैसे हुआ इसका लिख लीजिएगा रिवर्स, ठीक है ना, वन बटे सेक थीटा, और इसका लिख लीजिएगा वन बटे कोसेक थीटा, और इसको एक दूसरे को क्या कर दीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा दोस्त, तो ये पलट जाएगा, वो नीचे रह जाएगा, इस तरह आपका ये आ जाएगा। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये चार फॉर्मूला हो गया दोस्त, ठीक है ना, ये चार फॉर्मूला, तो ये 85 हो गया। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ये बात क्यों होता है यही मैं समझना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक चीज जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक होता है। अगर पी स्क्वायर निकालना हो तो दोस्तों हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये कैसे होता है मैं फर्स्ट लेक्चर में बता दिया हूँ, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका वैल्यू होता है पी बटे एच, ये स्क्वायर स्क्वायर, ये होता है दोस्तों बी बटे एच स्क्वायर 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 बराबर वन। तो दोस्तों एक चीज जानते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, भिन्न का जोड़ हो गया एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर नहीं, तो ये वन लाने का, वन तो लाना ही ना दोस्त, वन तो हम लोग को लाना है, एल एच एस से हम लोग देख रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, इसका वैल्यू जो होता है वो एच स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ देख लीजिए, बटे एच स्क्वायर कट के क्या हो गया वन। तो इसी तरह हम लोग ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये करने के बाद देखते हैं वन आता है, ये ग्रुपिंग के वहाँ वन आता है, इसीलिए लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन हो सकता है। ठीक है ना, ये प्रूफिंग आपको समझ में आ गया कहाँ से आता कैसे आता है, सब ही रेशियो पर आधारित है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को रखूंगा और साइन को उधर भेज दूंगा, क्योंकि प्लस माइनस में है दोस्त, भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता, आराम से भेज सकते हैं। तो देखिए दोस्त ये फॉर्मूला एक हो गया, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज जानते हो, इसमें भी मान लिया जाए इसमें कुछ नहीं है तो पावर वन है, तो पावर वन मतलब इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ से एक फॉर्मूला तब का ये बन गया, ठीक है ना, ये बन गया दोस्त। इसी में चाहते हैं तो दूसरा फॉर्मूला, इसका पावर हटा के रुकिए, इसका क्या करना है, पावर हटा सकते हैं, हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो पावर हटाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी आपको कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, अरे अगर कभी कभी ये दिया रहेगा और कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा तो इसके बराबर ये होता है। यहाँ से प्रूव करना चाहेंगे तो प्रूव भी करके आपको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। नहीं, आइए आगे हम लोग इसी में से एक थोड़ा सा हम लोग यूज कुछ दिमाग चलाते हैं, क्या करना है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्त, तो मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, वन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये नज़र में एक फॉर्मूला दौड़ता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इसका ये होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना, कोई दो में से एक ले लो। तो दोस्तों यहाँ पे वैसा कुछ नज़र हमको आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस, सॉरी वन प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्त मुझे एक लॉजिक प्राप्त हुआ, प्राप्त ये हुआ कि कभी कभार आप लोगों को जरूरत पड़ेगा वन प्लस साइन थीटा, तो क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा रहेगा ना दोस्त, तो आप यही फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा इसी में दोस्तों अगर वन माइनस साइन थीटा का कभी जरूरत पड़ेगा ना दोस्त, तो आप क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे वन माइनस वन प्लस साइन थीटा ले सकते हैं। एक फॉर्मूला हो गया दोस्त, तो कितना फॉर्मूला, एक दो। और कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, इसका पावर हटा के दोस्तों ये कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कर सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस कॉस वन प्लस वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा रहेगा बराबर भी कॉस थीटा होता है दोस्त, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका एक में इतना फॉर्मूला निकलता है, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, ठीक है ना, चार फॉर्मूला, पांच फॉर्मूला, छह फॉर्मूला, कितने फॉर्मूला निकले दोस्त, छह फॉर्मूला निकले, ठीक है ना। ये छह फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा, कंसेप्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कंसेप्ट्स हमको हमें से छुपाना, ये हो गया 91 फॉर्मूला हम आप लोग को बता दिए, ठीक है ना, कितना 91 फॉर्मूलास, ये बात याद रखिए, आप अच्छा से देखिएगा लिख लीजिएगा 91 फॉर्मूलास। आइए हम लोग देखते हैं, एक चीज जानते हैं कि sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, कैसे होता है दोस्त, इसका प्रूफिंग हम बताता हूँ। देखिए sec का होता है b स्क्वायर बटे बटे h स्क्वायर, ये होता है दोस्तों ये कैसे हो सकता है, सेक तो नहीं हो सकता है ना,
पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, नो 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 नो, यहां पे देखिए मो वही तो ठीक लिखा था दोस्त। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। sec स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है दोस्तों h स्क्वायर बटे b स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर, नहीं तो दोनों का एलसीएम दोस्तों तो b स्क्वायर होगा, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है दोस्त बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कट के वन आया। प्रूफ हो गया दोस्त, इसका प्रूफ भी बता दिया, आप हम लोग का काम करने में मजा आएगा। यहीं पे देखिए दोस्त एक लॉजिक हम यहीं से समझा सकते हैं। लॉजिक ये है कि ये फॉर्मूला बराबर ये होता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लग रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां से एक फॉर्मूला आया sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बटे sec थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। फिर यहां से हम लोगों का एक फॉर्मूला, इसको आपकी बार बचा के रखेंगे दोस्त, sec थीटा प्लस टेन थीटा तो बराबर हो जाएगा दोस्त वन बटे वन बटे sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों एक चीज समझ में आप लोग को आ गया होगा, यहां से हम लोगों का इतना फॉर्मूला का जिक्र हुआ। आइए हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं दोस्त। ये तो आप लोग का कितना फॉर्मूला है हो गया दोस्त, एक दो तीन चार, क्योंकि sec थीटा माइनस टेन थीटा sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन होता है। क्योंकि दोस्तों इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखना वन होता है, कभी ये लिखा रहेगा तो वन होगा दोस्तों, कभी sec थीटा माइनस टेन थीटा लेकर लिखा रहेगा समझ लेना वन बटे sec थीटा प्लस टेन थीटा होगा, कभी कभी sec थीटा प्लस टेन थीटा होगा दोस्त तो वन माइनस sec थीटा माइनस टेन थीटा, कभी वन माइनस sec थीटा वन बटे sec थीटा माइनस टेन थीटा लिखा रहेगा, तो आप समझिएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा है। ओके आइए हम लोग आगे की ओर और थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का लगभग 100 फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, कितना 100 फॉर्मूला हम चर्चा कर दिए आज। आइए आपको एक चीज हम ये बताना चाहता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्त, वो हम लोग तो ये जान गए बराबर वन होता है। पहली बात sec स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, एक फॉर्मूला यहाँ थे, तो sec थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रूट अंडर है दोस्त, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला हो गया दोस्त। ओके और एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये तीन फॉर्मूला हो गया दोस्त, और इसी में से एक दूसरा देखिएगा कि अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो बराबर वन माइनस sec स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस को थोड़ा सा दोनों तरफ गुना कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा दोस्त, होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एक चीज जानिए, एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया, ठीक है ना, बट यहाँ पे हम लोग tan थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक फॉर्मूला ये भी हो गया दोस्त, ठीक है ना।
जब यहां ए रहेगा तो ये लिख सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मेट में बताता हूं दोस्त, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है दोस्त। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ काम करता हूँ अपनी मर्जी से। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस वन, और एक बार ले सकते हैं थोड़ा सा जगह ना रहने के कारण। यहाँ पे देखिए टेन थी टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों सेक थीटा माइनस वन, और ये होगा सेक थीटा प्लस वन। ओके दोस्तों, यहां से मैंने एक बार अगर कभी भी हम लोग को जरूरी पड़ेगा सेक थीटा माइनस वन को, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा प्लस वन। क्वेश्चन में अगर दोस्तों ये चीज दिया रहेगा तो समझ लीजिए ये बराबर यही है, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी सेक प्लस थीटा अगर दिया रहेगा तो दोस्त तो टेन स्क्वायर थीटा बटे यहां पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन, ठीक है ना। कभी कभी ये दिया रहेगा तो समझ लेना यही है दोस्त। तो यहां से हम लोग का ये भी फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कितना फॉर्मूला हम लोगों का यहीं से जनरेट हो रहा है, नहीं तो इतना इतना फॉर्मूला का जब जरूरी पड़ेगा दोस्तों, ये कंपटीशन में जरूरी पड़ता है, ठीक है ना, और कहीं जरूरी नहीं पड़ता है। लगभग हम लोग दोस्तों आज 110 फॉर्मूला का रिकॉर्ड कर लिया, नहीं आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और क्या बचा हुआ है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है ना दोस्त। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। आइए और एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, हम लोग क्या देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा नजरिया लगाइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है या नहीं है, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस रुकिए लिख सकते हैं कॉट कॉट थीटा, और एक बार लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉट थीटा बराबर वन, नहीं। तो दोस्तों यहां से एक बार हम लोग ऐसे इसको बचा लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को बराबर लिख सकते हैं वन बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया दोस्त। इसी में एक दूसरा फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं कि अगर कभी कभी जरूरी पड़ेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, तो आप लिख सकते हो वन बटे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हम लोगों का ये तीन फॉर्मूला, जब ए बराबर ये रहेगा तो दोस्त ये लिख सकते हैं, ए बराबर ये रहेगा तो दोस्त आप लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग एक थोड़ा सा देखते हैं, देखिए यहां पे हो दोस्तों, इसको ऊपर इस पार ले जाइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्त। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इसका अगर मान लेते हैं स्क्वायर हटाएंगे दोस्त तो इधर रूट हो जाएगा दोस्त, वन प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं। अब फिर यहां पे देखिए, मान लेता हूं कि इसको इसको रख के इसको भेजता हूं, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन वन प्लस वन माइनस हो जाएगा वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, यहां पर ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करना होगा, माइनस करते हुए ये इंटरचेंज हो जाएगा दोस्त, ये इंटरचेंज हो जाएगा और इधर वन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से और एक रिलेटिव निकल रहा है, ये भी एक फॉर्मूला हो गया,
नहीं, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, जब जहां जो जरूरी पड़ेगा उसका यूज कीजिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, जब जहां जो जरूरी पड़ेगा वो भी यूज कीजिए। दोस्तों यहां से एक और नजर दौड़ाते थोड़ा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा कर सकते दोस्तों कोसेक थीटा माइनस वन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कोसेक थीटा प्लस वन, ये एक फॉर्मूला हो गया दोस्त। यहां से हम लोग एक चीज बचा सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस वन बराबर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस वन, ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया दोस्त। इसमें आपकी बार इसको रखते हैं, इसको लिखते हैं, देखिए कोसेक थीटा प्लस वन बराबर हो सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बटे लिख सकते हैं, ये सब देखिए ये आपका जितना भी है दोस्तों पाइथागोरस पे वो जो छह रेशियोस बताए उसी पर सब फॉर्मूला बना हुआ है और कहीं नहीं, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। कोसेक थीटा प्लस माइनस वन, ये दोस्तों आपका इतना फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूला दोस्त। आप जो जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे दोस्त, आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद नमस्कार। हमसे से जो